अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे देखने वालों? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं आपके लिए एक कहवा बनाऊँगी जो कि जादू कहवा है, क्योंकि आजकल गर्मी का दौर दौर है और काफ़ी लू चल रही है। इस लू के वक़्त कई बच्चों या बड़ों का पेट ख़राब होता है, वॉमिटिंग होती है, उसके लिए ये जादू कहवा है। मैं वो आपको बनाना सिखाती हूँ। रहमान रहीम, ये हाफ लीटर पानी है। ये मैंने सॉस पैन को गर्म कर लिया था। अब इसको उस वक्त तक पकाना है, एक उबाला आएगा तो फिर इसमें दूसरी सारी चीज़ें डालनी है। अभी मैं इसको ढाँप दूँगी कि एक उबाला आ जाए। पानी का उबाला आ गया, अब मैं इसमें घर में ही है सारी चीज़ें जो मैं डालूँगी। ये एक चुटकी अजवाइन की है, ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तीन अदद सब्ज़ इलायची हैं, ये इसमें जाएंगी। एक टुकड़ा दालचीनी का है, ये इसमें जाएगा। एक टेबलस्पून ये सौंफ है, ये इसमें जाएगी। और एक टेबलस्पून जो है खुश्क पुदीना है, जो मैंने घर में महफूज करके रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा। अब इसको मैं स्टीम करूँगी, बस दो मिनट मैंने पकाना है और फिर आग बंद कर दूँगी। मैं दो तीन मिनट हो गए हैं और इस कलर में आ गए हैं, अब मैं इसकी आग बंद कर दूँगी जी। इस कहवे को मैं अब कप में स्ट्रेन करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये हाफ अदद नींबू ले लेना, आधा नींबू। अब ये इसको मैं ये चंद कतरे इसमें डाल देने हैं। ये मेरे बनाया हुआ घर का बहुत आजमूदा कहवा है, मैंने ये खुद भी यूज़ किया है और इसलिए मैं आपको भी बनाना सिखा रही हूँ कि आप भी ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। बहुत इसके साथ अगर वॉमिटिंग हो या पेट में दर्द हो रही हो या लू लग गई है, ये कहवा बहुत अच्छा है। ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर आपको बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा कहवा। ये ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़ोर हज़म है। और ये है कि जो भी आपको वॉमिटिंग या पेट में दर्द है, इससे फौरी आराम आ जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद मैं करती हूँ कि वो ज़रूर उसे चीज़ों को बनाते भी होंगे। शुक्रिया। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।